नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश के हालात, शिवपुरी में दो मौत, सरकार ने मंत्रालय में बुलाई आपात बैठक। उज्जैन में युवक के पास एक पिस्टल, सावन सोमवार पर महाकाल के दर्शन करने गया था युवक, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर गया पटवारी संघ, कई मांगों को लेकर पटवारी कर रहे आंदोलन, राजस्व निरीक्षकों ने भी आंदोलन को दिया समर्थन। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बारिश के कारण श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहीं बीरपुर में भी चिंता की स्थिति बनी हुई है। इसी के बीच शिवपुरी में दो लोगों की मौत और मुरैना में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर भी सामने आई है। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लखेश्वरी बांध फूटने की खबर फैली थी, लेकिन वह गलत है। यही प्रेस वार्ता के वक्त गृह मंत्री ने राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट वाले पॉलिटिक्स वाले बयान पर भी तंज कसा। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री ने किन किन मुद्दों पर बात की। श्योपुर के वीरपुर और विजयपुर में थोड़ा चिंताजनक है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक रात तक समीक्षा करते रहे, हम सब लोग, पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, वहां मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे। प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं, संभागीय स्तर तक के अधिकारी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रालय में एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं पीएस गृह राजेश राजौरा ने इस बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश के कारण श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 200 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है और वहां मौजूद जिला प्रशासन की टीम से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। राजेश राजौरा की माने तो सीएम ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट बांटने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वायुसेना के प्रयासों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी वायुसेना पर गर्व है। विगत दिन उज्जैन में महाकाल सवारी व मंदिर दर्शन कर लौट रहे युवक की इंदौर पासिंग गाड़ी में पुलिस को एक पिस्टल मिली है। दरअसल लाइव पुलिस की सर्चिंग में रेड कलर की I-20 कार से पुलिस को येलो और सिल्वर कलर की पिस्टल मिली है। पिस्टल मिलने से हड़कंप मच गया है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नीलगंगा थाना क्षेत्र के हरिफाटक चौराहे ब्रिज पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की माने तो पिस्टल रखने वाले युवक का नाम अखिलेश चौधरी है और वह इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। विगत दिन इंदौर के रुस्तम के बगीचे स्थित इंदौर नगर अहिरवार समाज संस्था के पदाधिकारियों ने इंदौर DIG ऑफिस पहुंचकर संस्था के पूर्व सदस्यों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व कमेटी के सदस्यों ने 12 सालों से संस्था पर कब्जा किया हुआ है और राजनीतिक संरक्षण के चलते पदाधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। यही नहीं, संस्था पर कब्जा जमाए पूर्व सदस्यों ने संस्था के फंड में भी हेराफेरी कर लाखों रुपए गबन किए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि संस्था पर कब्जा जमाए बैठे पूर्व सदस्यों को प्रशासन हटा पाता है या फिर नहीं। लेकिन ये लोग, इन्होंने 12 साल से कब्जे जमा के बैठे हैं। ना इन्होंने साधारण सभा बुलाई, ना इन्होंने कोई चुनाव करवाने की बात करी, ना आवक जावक का हिसाब दिया। इस प्रकार लाखों 60-70 लाख रुपए का एक जो अमाउंट बनता है उसका हिसाब किताब नहीं दिया। जैसे ये है कि
हमारा अहिरवार समाज की इंदौर नगर अहिरवार समाज की बहुत प्राचीन संस्था है इंदौर ग्यारह पंच कमेटी। ग्यारह पंच कमेटी का काम है समाज की न्याय व्यवस्था देखना, समाज को सुचारू रूप से चलाना उसका मेन काम है। किंतु 2000 चुनाव का जो नियम होता है वो 3 साल का होता है, तो 2009 में जब चुनाव हुए इनकी नैतिकता थी कि 2012 में चुनाव करवाएं, पर इन्होंने देखा कि समाज की इनकम हो रही है, धर्मशालाओं से इनकम हो रही है, दुकानों से इनकम हो रही है, इन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। सोमवार से इंदौर सहित पूरे प्रदेश में पटवारी 3 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इंदौर में पटवारी संघ के अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि पटवारियों ने अवकाश पर जाने के लिए विधिवत आवेदन दे दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे लोग आंदोलन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पटवारियों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का राजस्व निरीक्षकों ने भी समर्थन किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को लेकर क्या सोचती है और इस आंदोलन का सरकार पर क्या असर होता है, और साथ ही पटवारी संघ और सरकार के बीच क्या तालमेल बैठता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल के आह्वान पर जिला इंदौर भी दिनांक 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया गया है। सामूहिक अवकाश के दौरान हम लोग किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे और 3 तारीख के दिन मुख्यमंत्री जी के नाम से रैली निकालते हुए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।